राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरे मम्मी और पापा डेली आपके प्रवचन सुनते हैं और दो तीन बार वो यहाँ आके भी गए थे, आपके दर्शन भी किए थे। जो आज जो जनरेशन चल रही है, जो आज की पीढ़ी चल रही है, उस पीढ़ी को आप जो पॉजिटिव वाइब्स देते हो, तो गुरुजी उस दिशा में आपका ये काम बहुत सराहनीय है। गुरुजी, हमारा स्कूल है जोधपुर में, ग्रेट सत्यम एकेडमी। तो सिर्फ आज हम लोग अभी इधर से निकल रहे थे, कल भी हम वो आके गए यहाँ पर कल आपके दर्शन हो नहीं पाए, तो आज हम चला के और आए कि नहीं, गुरुजी के दर्शन करने ही हैं। अब पापा और मम्मी रोज़ प्रवचन चलाते हैं, तो एक्चुअली इतना हमें भी टाइम नहीं मिल पाता है कि हम प्रवचन देख पाएँ। लेकिन दोपहर में गुरुजी, पता नहीं ऊपर वाले का क्या दिशा होती है, क्या चमत्कार होता है कि आपके प्रवचन हम भी लोग सुन लेते हैं। तो साक्षात प्रणाम है गुरुजी आपको। आप और यहाँ जो सेवाएं चल रही हैं, माताओं का दर्शन किया आपने? गुरुजी अब जाएंगे। ऊपर वृद्ध माएँ रहती हैं, नीचे प्रसाद चलता है, रसोई प्रसाद लीजिए, दर्शन कीजिए। बिल्कुल गुरुजी, वो जब प्रवचन चलते हैं तो हम आपके देखते भी हैं, गौरी गोपाल आश्रम भी देखते हैं, और जो आप सेवाएं दे रहे हैं, ये आज के युग को, आज की पीढ़ी को सही दिशा में चलाने के लिए गुरुजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो नेगेटिव ज़्यादा होती हुई जा रही है और गलत दिशा की तरफ जा रही है, तो उसको सही दिशा में जाने के लिए आज आपके जैसे गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? आप तो रोज़ सुनते हैं, क्या अच्छा लगा आपको? मैं गुरुजी को रोज़ नहीं सुन पाती, जब भी मेरे सुनते हैं। मेरे मम्मी और पापा तो डेली सुनते हैं। आज जो आज की पीढ़ी को जैसे आप बोलते हैं कि भाई अपनी बच्चियों को बाहर मत भेजो, दूसरों के घरों में रहने के लिए मत भेजो, क्योंकि समय बहुत ख़राब है, तो गुरुजी ये हर कोई आज की शिक्षा दे नहीं पाता। आज देखा जाए तो सारे पेरेंट्स हैं, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सब पेरेंट्स अपने फ़ोन में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो सही शिक्षा क्या होती है अपने बच्चों को देने के लिए, सही संस्कार क्या होते हैं वो नहीं दे पाते। तो अगर हर घर के अंदर ये टीवी के अंदर आपके प्रवचन चले, तो बच्चों के अगर कानों में सुनने में भी आता है तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रवचन के द्वारा। जी जी, सही है, है ना गुरुजी? तो साक्षात प्रणाम है गुरुजी आपको। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। यहाँ भैया को, आपको बात करनी है, आपने तो अभी कर ली थी, चलो कर लो। राधे राधे गुरु जी। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो मरने के बाद आदमी को दूसरा जन्म मिल जाता है, फिर वही हमको सपने में दिखाई देते हैं। कौन कौन दिखता है आपको? जैसे मेरे बेटों को उनके दादाजी दिखाई देते हैं। तो ये आप अपने पूर्वजों के लिए कोई पुण्य का कार्य करो जिससे उनकी सदगति हो। नहीं, बस मांगते नहीं है कुछ, ऐसे दर्शन देते हैं बस, कुछ नहीं बोलते नहीं, नहीं मांगेंगे क्यों? दर्शन दे रहे हैं इसका मतलब आपसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं कि हमारी सदगति के लिए कोई कार्य करो। अच्छा। हर परिवार का धर्म है कि आप अपने पितरों के लिए कुछ करें। अच्छा। जिस तिथि पर आपके पिता, आपके दादा, आपकी सास, आपके ससुर मरे हैं, उस तिथि पर जरूर हर वर्ष कुछ ना कुछ ब्राह्मणों को भोजन, कन्याओं को भोजन, गाय को रोटी डालना चाहिए, देना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष के जो 15 दिन हैं, उस 15 दिन में जो भी आपके पितरों की तिथियां हैं, उस दिन भी आपको करना चाहिए। नहीं, श्राद्धों में तो हम लोग निकालते हैं और पांच कपड़े तो निकालिए, और दातित के हाथा भी निकालते हैं। हाँ। ऐसे नहीं है, गौदान भी से सब सामान भेजते हैं, अगर नहीं उनके नाम से कोई ना कोई अच्छे कार्य करो, अन्न दान करो, दर्शन करते तो अच्छा है कि शुभ का शुभ है। ठीक है, आपके जीवन में सब अच्छा हो, इसके लिए आपका जो कर्म है वो करते रहिए, बाकी वो ठीक है जो है। राधे राधे गुरु जी, खुश रहिए। क्या बात करनी है? जय श्री मन नारायण गुरु जी। जी जी, पहले आपको टीवी पे देखता था महाराज, अभी आपको सामने के देख के मन बहुत प्रसन्न है। अच्छा गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि भगवान बिना पैर के कब चले थे? जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, उस समय भगवान द्वारिका में थे, और द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर बल्कि आज का मेरठ, और द्वारिका आज का गुजरात, समुद्र का किनारा। तो द्रौपदी की साड़ी उतर रही है और द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद पुकारा, तो वहाँ से दौड़े, पाँव वाला दौड़ पाता, इसलिए भगवान बिना पाँव के दौड़ते हैं, पाँव वालों से कई गुना तेज, तो बिना पाँव के चले। महाराज जी, हम पूरे परिवार से आपकी कथा बहुत ध्यान से सुनते हैं, और आप हर प्रणालियों के अंदर जो भक्ति के ज्योत जला रहे हैं, उसके लिए जय श्री मन नारायण गुरु जी। जय श्री, थोड़ा मेरी पत्नी से बात कर लीजिए। महाराज जी, राधे राधे।
राधे राधे। महाराज जी जैसे लड्डू गोपाल रखे हैं तो लड्डू गोपाल को रोज जल से नहलाते हैं तो रोज नहलाते नहलाते सौले पड़ जाते हैं, तो उनको किस चीज से नहलाए जो चमकते रहे? पीताम्बरी से नहला सकते हैं? नहला तो सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है शक्कर, शक्कर का बूरा। हाँ। थोड़ी सी शहद मिलाओ शक्कर का बूरा और थोड़ा सा शक्कर का बूरा मतलब पिसी हुई शक्कर। हाँ। पिसी हुई मिश्री उससे घिस दो, ठीक हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। धन्यवाद महाराज जी।